इस वीडियो में आप लोग दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून के बारे में जानोगे जिसे जानने के बाद आप एक ही बात कहोगे, मतलब कुछ भी। तो ज्यादा आपका डेटा और टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, अमेरिका में एक जगह है टेक्सास। वहाँ के एक कानून के मुताबिक फर्नीचर बनाने वाले ये सारे घर के लकड़ी के सामान बनाने वाले कारीगर कच्छे और बनियान में काम नहीं कर सकते, उनको कपड़ा पहन कर ही काम करना होगा। अगर वहाँ के कारीगर इस तरह से बिना कपड़ों के फर्नीचर बनाते हुए पाए गए तो उन्हें जेल भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर टू। ये फैक्ट भी अमेरिका से ही जुड़ा है। अमेरिका में एक जगह है यूटा। यहाँ के एक कानून के मुताबिक लड़के या लड़की अपने कजन से शादी कर सकते हैं, इट्स लीगल। लेकिन किंतु परंतु देयर इज अ कंडीशन, कजन से शादी तो कर सकते हैं लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो। वहाँ के लॉ मेकर का मानना था उस उम्र में आपका लिया फैसला तो गलत हो नहीं सकता, मतलब कुछ भी। खैर चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर थ्री। जापान ने भले ही हम लोगों को सुमो रेसलिंग जैसा खेल दिया, लेकिन क्या आपको पता है जापान में मोटा होना गैर कानूनी है? जी हाँ दोस्तों, वहाँ के कानून के मुताबिक 40 साल के उम्र के बाद वहाँ के लोगों को 30 इंच से कमर ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो वहाँ के लोग ज्यादा यंग और फिट दिखते हैं। फैक्ट नंबर फोर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक गरीब देश पड़ता है सोमालिया। इस देश में समोसा खाना बनाना बैन है। पता है क्यों? क्योंकि समोसे में 3 कोन होते हैं। सिर्फ 3 कोन होने के वजह से वहाँ की गवर्नमेंट समोसे को बैन कर दिया। फैक्ट नंबर फाइव, ये फैक्ट यूएसए से। यूएसए में एक जगह है फ्लोरिडा। यहाँ के एक कानून के मुताबिक स्काई डाइविंग वही महिलाएं कर सकती हैं जिसकी शादी हो चुकी है, और वैसी महिलाएं जिसकी शादी नहीं हुई है वो स्काई डाइविंग नहीं कर सकती। अगर वो फिर भी करती है तो वो एक क्राइम बन जाएगा, मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर सिक्स, ये फैक्ट भी यूएसए से। यूएसए में एक जगह है पेंसिल्वेनिया। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को शराब खरीदनी है तो उसे अपनी पत्नी का लिखित परमिशन दुकान में दिखाना होगा, मतलब इनडायरेक्ट तरीका से वहाँ के सरकार ने दारू को बैन कर रखा है। क्या लगता है आपको, वहाँ की पत्नियाँ परमिशन देती होंगी शराब खरीदने के लिए? कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर सेवन, ये फैक्ट भी यूएसए से ही है। यूएसए में एक जगह है आर्केंसस। यहाँ के कानून के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद किसी भी कुत्ते को भौंकने का इजाजत नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट कानून के बाद भी अगर किसी कुत्ते के पिछवाड़े में खुजली हुआ और वो गलती से भौंक दिया तो उसका खामियाजा उसके मालिक को चुकाना पड़ेगा, उस कुत्ते के को जेल भी हो सकता है। फैक्ट नंबर एट, साउथ अमेरिका में एक देश है बोलिविया। यहाँ के एक कानून के मुताबिक पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं इस बात पे अगर वो अपनी पत्नी को पब्लिक प्लेस में शराब पीते हुए देख लेते हैं। तो उस देश के लॉ मेकर के हिसाब से अगर लड़कियाँ पब्लिक प्लेस में शराब पियेंगी तो राउडी बन जाएगी और वो अपनी लड़की होने का मर्यादा को भूल जाएगी, मतलब कुछ भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। Thank you.